Well. So, uh, काफी सारी न्यू uh, लॉन्चेज हुए हैं एंड पर्पल कर्निवल सेल भी चल रहा था जिसमें मिल रहा था आप तो 50 तो मैंने uh, in, in से कुछ प्रोडक्ट अपने लिए खरीदे हैं एंड आज मैं आप लोगों के साथ उसी की रिव्यू uh, शेयर करूंगी बट uh, मैं ये रिव्यू पार्ट वन एंड पार्ट टू में करूंगी बिकॉज uh, सारे प्रोडक्ट्स अगर मैं एक साथ दिखा दूँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो आज मैं पार्ट वन में इनवाई बी के प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लू हेवन एंड उसके साथ मैंने और भी कई मेकअप प्रोडक्ट्स uh, खरीदे हैं वो भी दिखाऊंगी सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं बट अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले सो so, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेरे पास जो ये प्रोडक्ट है वो है ये एन वाई बे की सनसेट स्काईलाइन ब्लश एंड आई एम शेड क्लाउडी पिंक शेड मेरा क्लाउडी पिंक सो so, ये फाइव ग्राम की इसकी क्वान्टिटी है टू थर्टी रुपीज इसका प्राइस है बट यू नो पैपल में डिस्काउंट्स रहते मिल जाएगा डिस्काउंट्स में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स में मिलेगा तो ये जो है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है वन स्वाइप में आपको दिखाती हूँ मैं इसकी कलर पे ऑफ देखिए वन स्वाइप में आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा यू नो इजीली ब्लेंड हो रहा है देखिए आप कितनी इजीली ब्लेंड हो जाता है और मैट फिनिश है इसकी जो टेक्सचर है ना वो इतना फाइन टेक्सचर है इसकी और अम, एक जब आप लगाओगे ना फेस पे एक नेचुरल ग्लो देता है पैकेजिंग इतनी क्यूट पैकेजिंग है इसकी लगा के देखिए कितना अच्छा ना वाव इसकी फिनिशिंग बहुत ही नेचुरल फिनिशिंग आई जस्ट लव्ड इट यू नो मैंने बहुत सारी अम, ब्लश ट्राई किए हैं लेकिन बेका जो ये ब्लश उन्होंने लॉन्च किया है ना न्यू इट्स बॉम डॉट कॉम बहुत क्या बताओ यारिकुंगी अच्छा मैं आपको अगर आप यू नो बिगिनर हो तो आप इसको जरूर लीजिए सो मेरा जो दूसरा प्रोडक्ट है वह इनवाई बे के जू ड्रॉप लिक्विड फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड फ्लैट वाइटी थर्टी एम एल है साइज है टू फोर्टी नाइन लेकिन आपको डिस्काउंट्स में मिल जाएंगे सी ग्लास बॉटल में ही आता है सो so इसरा कुछ नहीं मिलता ऐसे ही यू you नो know, निकालना पड़ता है सो so ये मुझे अच्छा नहीं लगा इसकी पैकेजिंग यू नो थोड़ा पम्प वगैरह होना चाहिए ऐसे निकालने जाओ तो ये बहुत यू नो अनहाइजीनिक भी है और मेसी भी है थोड़ा सा मेसी हो जाता है सो so निकल के नहीं ऐसे कंसिस्टेंसी है बहुत ठीक uh, है एंड इसकी टेक्सचर बहुत क्रीमी है बहुत इजीली यू नो ब्लेंड हो जाता है आप देख सकते हो बहुत इजीली ब्लेंड हो रहा है लाइट uh, वेट है देखो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है वाह कवरेज uh, इसका जो है शेयर टू मीडियम कवरेज है आप बिल्ड भी कर सकते हो और uh, अगर आपकी ड्राई स्किन है मेरी तरह तो ये आपके लिए बेस्ट फाउंडेशन है बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है सो yeah. so, मेरी तरह ड्राई स्किन है आप इसे डेफिनेटली यूज uh, कर सकते हो मुझे काफी अच्छा लगा ये वाला फाउंडेशन uh, प्रोडक्ट है वही ये एन वाई ब्रेकिंग प्रो स्ट्रोप क्रीम एंड आनंद शेड पिंक टोपल्स क्वान्टिटी यू नो ट्वेल्व ग्राम की है एंड ये आपको मिलेगा इसका प्राइस टू फोर्टी नाइन है इसमें कुछ भी आ, चंक ग्लीटर और चंकी पार्टिकल्स नहीं है आ, ये मॉइस्चराइजिंग है और आ, बहुत ही सुपर यू नो ब्लेंड हो जाता है इतनी अच्छी से ब्लेंड हो जाता है और आप देख सकते हो स्टेबल आ, ग्लो देता है आपकी स्किन को आ, मैक की जो स्ट्रोप क्रीम है ना ये उसकी ड्यूप है ग्लिटर और चाम पार्टिकल्स नहीं है इसमें इतना अच्छा लगा आपको मैक की स्ट्रॉप क्रीम आई थिंक हज़ार रुपये के ज़्यादा मिलेगा लेकिन ये वाला जो है और, और मैक की स्ट्रॉप क्रीम की आई थिंक क्वान्टिटी फिफ्टीन ग्राम है लेकिन ये भी ट्वेल्व ग्राम है और टू फोर्टी नाइन इसकी प्राइस है लेकिन डिस्काउंट में आपको ये और भी ज़्यादा सस्ती मिल जाए कम प्राइस में uh, मैक स्ट्रॉप क्रीम जैसा फिनिश चाहिए तो आप ये एन वाई बी की प्रो स्टोप क्रीम ट्राई कर सकते हो जी ये बहुत पसंद आया है बहुत पसंद आया है और मैं ये आप लोगों को रिकमेंड जरूर करूँगी सो uh, so मेरे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो एन वाई बी की प्रो प्राइमर है एंड दिस इज़ येलो कलर करेक्टिंग फेस प्राइमर इट्स ऑल स्किन टाइप ये ऑल स्किन टाइप है ये फिफ्टीन एम एल की है एंड इसका प्राइस जो है टू फोर्टी नाइन लगे आपको डिस्काउंट में uh, से कम कम प्राइस में मिल जाएगा सो so, ये इसमें और भी दो वेरिएंट है आ, एक ग्रीन कलर की है और एक ऑरेंज करेक्टर है सो ये जो है ये योलो कलर करेक्टिंग आ, तो इसका कलर जो है वो ऐसे योलो कलर की है ये तो ये इसका जो मेन क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन है इवन स्किन है डिसकलरेशन है विजिबल पोर्स ये उनके लिए है और फिनिश देता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है और बहुत स्मूथ फिनिश है इसकी बहुत ही स्मूथ फिनिश है को आने वाली स्किन टो है डिसकलरेशन की प्रॉब्लम है पोज की प्रॉब्लम है पोज आपकी विजिबल है और डलनेस है स्किन पे तो आप ये वाला फेस प्राइमर ये योलो कर, कलर योलो कलर करेक्टिंग फेस प्राइमर लीजिए तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है उस पर और मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा इन वाई बेकी शिमर सेटिंग स्प्रे एंड आई एम शेड पिंक पर्ल्स इसमें एक गोल्डन शेड भी है तो मैं दिखा, दिखा ये ये की की है 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 इसका लेकिन में में आपको आपको कम में फिर से मिल जाएं, मिल जाएंगे आपको, so इसमें ना है लेकिन कोई चंकी ग्लिटर नहीं है दू ये फिनिश है इसकी हाइड्रेटेड रखता है आपकी स्किन को एंड मेकअप को ड्राई आउट नहीं होने देता मैं दिखा दिया देखिए तो एक ग्लो दे रहा है लेकिन इसमें अगर मैं देख रही हूँ ना इसमें कोई चंकी ग्लिटर्स नहीं है कि ड्राई स्किन है वो ये वाला सेटिंग स्प्रे ले सकते हो अब मेरा ये आ, लास्ट प्रोडक्ट लिपस्टिक है एन वाई के कन्फेशन ऑफ लीपा होलिक प्राइमर प्लस मैट लिक्विड लिपस्टिक एंड आई एम दिस शेड ऑल आई वॉन्ट फॉर लव फोर दिखा देती हूँ मैं कलर है इससे 4.5 पॉइंट की प्रोडक्ट है इसका प्राइस जो है वो 249 है लेकिन आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे अगेन हाथ में दिखा दी थी आपको ये कलर दो फुट अप्लीकेटर है इसकी एंड इसका कलर मैं दिखा दो आपको आप देख सकते हो वन स्वाइ में कितना अच्छा कलर पे ऑफ है इसकी एंड बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है और लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता क्योंकि इसमें जोजोबा ऑयल है और स्मच प्रो फिल और पैराविन फ्री है पिंकिश रेड कलर की है बहुत ही प्यारा कलर है मैं दिखाती हूँ आपको पहन के यू you नो know? कलर का प्यारा कलर है इसकी बहुत अच्छा कलर है इसकी uh, मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके साथ मुझे ये फेस स्कैनर की अल्टीमेट प्रो मेकअप फिक्सर मुझे फ्री मिला है जो कि फिफ्टी एम की है आप देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा है नॉट फॉर सेल एंड उसके साथ ये गुड uh, वाइब्स की पपाया uh, रेंज की पापाया ब्राइटनिंग फेस वॉश एंड पपाया ग्लो फेस मास्क मुझे फ्री मिला है सो so, या yeah. कनाडा की अल्टीमेट प्रो मेकअप फ़िक्सर के बारे में बताऊंगी uh, ये मैट फिनिश है मैंने इसको दो बार यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा मेकअप uh, फिक्सर है फ्रेंड की शादी थी तो मैंने इसको यूज़ किया है सो so, मैं जब घर वापस भी आई तब भी मेरी मेकअप एकदम परफेक्ट थी So yeah guys that's all uh, of today's video. मैं uh, uh, बाकी जो blue heavens की और मैंने और भी सारी uh, you know makeup products खरीदे हैं वो मैं next video में आप लोगों को दिखाऊंगी. वो तो मेरी video अच्छी लगी हो तो do like, share and comment and uh, thank you for watching my video. मैं uh, आपसे मिलती हूँ next video में. Till then, bye.